हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत सुंदर होगी। आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पास अभी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा अभी वेटिंग मशीन है, क्योंकि अभी इमेज को इनबॉक्सिंग भी करना है। एंड आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरीके का एक स्प्रिंग बैलेंस है, एंड ये सभी स्प्रिंग बैलेंस है। मैं आज के इस वीडियो में सभी में स्प्रिंग बैलेंस का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। लाइक आप देख सकते हैं एक मेरे पास दूसरा भी गट्टा है, जो कि इसको भी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, इसको भी करने वाला हूँ, इसको भी करने वाला हूँ, इसको भी करने वाला हूँ, एंड ये ऑलरेडी अनबॉक्सिंग है, एंड इसको भी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, एंड ये भी एक स्प्रिंग बैलेंस है। तो सभी को मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। एंड डिजिटल वेट मशीन भी आप देख सकते हैं ये, एंड ये जो गट्टा आप देख रहे हैं ये सब डिजिटल वेट मशीन है। ये भी डिजिटल है, ये भी डिजिटल है, बट ये सब स्प्रिंग जो कि एक डिजिटल नहीं है। सो आज के इस वीडियो में इन सब का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, उसके साथ साथ रिव्यू करने वाला हूँ, एंड टेस्टिंग भी करने वाला हूँ, एंड देखने वाले हैं कौन सा अच्छा रहता है, कौन से मशीन के अंदर क्या लगा हुआ होता है, सभी आज के इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, वीडियो में नहीं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप देख सकते हैं जो कि मेरे पास जो वेट मशीन है ये सभी इधर रखा हुआ है, एंड आप लोग एक बार देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, एंड इसको मैं खोलूंगा भी। बट इसके पहले आपको एक बात बता देता हूँ जो कि एक इम्पोर्टेंट बात है, एंड एक खुशी की बात है कि जो हमारे चैनल में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए थैंक्स, एंड सभी यूट्यूब फैमिली को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, एंड आपको लव एंड सपोर्ट से आज हमारे यूट्यूब चैनल में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। तो आप यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी वॉच टाइम भी कंप्लीट करा दीजिए, जो कि यूट्यूब का क्राइटेरिया है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात रहेगी। बट अभी के लिए हम आए हैं कंटेंट में, तो कंटेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल खोलेंगे ये देखो। सो ये वाली बॉक्स को खोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये तो मैं ऑलरेडी खोल लिया था, बट फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से मैं बॉक्स को खोल लिया था, एंड इसके अंदर हमारे पास है वेट मशीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो इसके अंदर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, एंड फर्स्ट में ये देखो जो कि गट्टे में ये देखो 100 kg, एंड साइड में आप पढ़ सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, या चेक्स या जी ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स है, तो इस बॉक्स को अभी साइड में रखते हैं, एंड उसके साथ साथ इसके अंदर देखते हैं। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं डायरेक्टली एक मशीन रखा हुआ है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से मशीन आपको देखने को मिल जाता है। सो ये देखो, सो पोल्थिन लगा हुआ है, तो एक बार मैं प्लास्टिक को भी बाद में निकाल लूँगा। बट इसके अंदर हमको एक लॉक देखने को मिल गया, जो कि अगर हम वेट मशीन को जो कि हैंगिंग को जिधर भी रखेंगे उसके लिए लॉक के लिए हमको दिया हुआ है, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। एंड बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, तो बॉक्स को अभी साइड में रखते हैं। एंड बॉक्स को हमने साइड में रख लिया है, तो अभी हम बात करने वाले इस वाले वेट मशीन का। तो फर्स्ट में ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने खोल लिया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है एडेप्टर, जो कि इसका चार्जर है। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर एक जैक भी है हमारे पास, जिसको जो कि हम इस वेटिंग को चार्ज करेंगे। बट फर्स्ट में ये देखो ये है इसका एडाप्टर, तो एडाप्टर को खोल लेते हैं, देन आपको बाकी चीज़ भी दिखाते हैं। सो एडाप्टर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, बहुत ही हल्का है एडाप्टर गाइस, क्या ही बोले, बहुत ही हल्का एडाप्टर है। एंड इसको देख लेते हैं एक बार इसका आउटपुट कितना है, तो आप देख सकते हैं इधर 8 volt 0.5 ampere DC मिल रहा है, एंड इनपुट 100 volt टू 240 volt इनपुट है इसका। तो आउटपुट आप देख सकते हैं 8 volt 0.5 ampere सिर्फ है, एंड एक मेड इन इंडिया, तो एक बहुत ही अच्छा बात है जो कि मेड इन इंडिया है। एंड देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है एडाप्टर इस वाले वेटिंग मशीन का। तो अभी इसको साइड में रखते हैं, एंड बात करते हैं आप इस वाले मशीन को, तो मशीन को भी खोल लेते हैं। तो मशीन को डायरेक्टली मैं इस तरीके से ये देखो, सो ओ भाई साहब आप देख सकते इतना शाइनी लुक है। एंड फर्स्ट में तो ये देखो आगे से कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, तो एक बार इसको रिव्यू करते हैं देन। होपफुली कि आप लोग इसका रिव्यू देख लिए होंगे। बट इसके बाद अब पीछे चलते हैं, पीछे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिल गया है कि JK ब्रांड का जो कि हमारे वेटिंग उसका जो ब्रांड है उसका एक प्लेट है। तो एक नापटोल जो कार्यालय होता है उसका एक ये ब्रांड हो चुका है, एक स्टिकर हो चुका है, तो इसको अभी साइड में रखते हैं, इसका बाटी नेट करते हैं। एंड एक है स्विच जो कि ऑन ऑफ लिखा हुआ है, तो ये ऑन ऑफ स्विच है वेटिंग स्केल का। एंड दूसरा है हमारे पास एडाप्टर का जो ये चार्जिंग करने वाला पॉट हो गया, तो ये देखो कुछ इस तरीके से लगता है ये। लाइक आप देख सकते हैं ये जो चार्जर का आपको DC
ये देखो लिखा भी है डीसी इनपुट 8 वोल्ट 0.5 एम्पियर जो ये सॉकेट हो चुका डीसी सॉकेट मेल फीमेल सॉकेट हो गया जिससे कि हम इसको वेटिंग स्केल को चार्ज कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इसमें लगाइए एंड इसको चार्ज कर दीजिए। आप देख सकते हैं चार्जिंग लाइट का भी अवेलेबल है जो कि एडेप्टर में, उसके साथ साथ हमारे पास इधर वेट मशीन के आगे आप देख सकते हैं कुछ स्टैटिक से देखने को मिल जाता है। इधर आप देख सकते हैं एसी का लाइन भी है जो कि ये चार्जिंग आप करेंगे तो इधर एक लाइट ग्लो होगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा ये वेटिंग स्केल चार्ज हो रहा है। एंड देखने में इतना हल्का है जो वेटिंग स्केल, भाई पूछो ही मत, इतना हल्का वेटिंग स्केल है। एंड इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इधर आपको लिखा हुआ है जो कि एक एम प्लस है, होल्ड है, मोड है, टियर जीरो है। तो ये सब जो चार बटन है ये सब आपको सेटिंग के लिए काम लगता है, अभी नहीं काम लगेगा, सेटिंग के लिए काम लगेगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इधर आपको मिनिमम 100 केजी, मैक्सिमम 200 ग्राम, एक्यूरेसी 10 ग्राम का है जो कि लिस्ट काउंट भी बोलते हैं एक्यूरेसी को। सो आप देख सकते हैं एक जेके ब्रांड का एक अच्छी वेटिंग स्केल है। इसके आगे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लॉक देखने को मिल गया है जो कि अगर आप कोई भी आइटम्स को इधर तोड़ना चाहते हैं तो ये देखो इस लॉक को कुछ इस तरीके से प्रेस करिए यानी ये आपको लग जाएगा। एंड पीछे की तरफ भी सेम ऐसे ही सिस्टम है, इधर लॉक सिस्टम है एंड ये देखो लॉक सिस्टम है। एंड ये जो हमारे पास ये जो होल्ड था तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली इसको आप क्या करिए कि इसमें लगा दीजिए सॉरी एंड इसको आप किसी में भी टांग दीजिए, देन आप इधर इसको वेट कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी रेटा है। एंड ये सब जो पोल्ट्री फार्म इसके में लगते हैं, जो कि पोल्ट्री फार्म जो करते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल चीज़ है। ये 100 केजी का है, आपको बहुत ज़्यादा वेट में भी इसको अवेलेबल मिल जाता है। सो अभी इसको साइड में रखते हैं, आई होप आपको पता चल गया होगा इन सब का रिव्यू। बट अभी हमने टेस्ट ही नहीं किया है, बट एक बार स्विच ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। सो पीछे एक स्विच था तो स्विच को ऑन करते हैं यार को, डायरेक्टली मैंने स्विच को ऑन किया, एक बीप का साउंड आया हुआ है। सो यार को सो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ऑन भी हो चुका है एंड 0000 आ चुका है। सो इधर सॉरी क्या लिख के आ चुका है, सेट लो, इधर मुझे लग रहा है कि ये लो हो चुका होगा वेटिंग स्केल। एंड आप लोग देख लिए होंगे ये लो वेटिंग स्केल का हमने काम तमाम कर दिया है, मतलब कि इसका हमने रिव्यू भी देख लिया है, इसका आपको चीज़ भी दिखा दिया है किस तरीके से देखने को मिलता है, सभी मैंने आपको बता दिया। आप बात करते हैं इस वाले वेटिंग स्केल का, तो ये आप देख सकते हैं पोर्टेबल इलेक्ट्रिक स्केल लिखा हुआ है, तो ये 40 केजी का, नो गाइस 50 केजी का होगा ये एप्रोक्सली। आप देख सकते हैं ये आपको अवेलेबल मिल जाता है एक 10 केजी, 20 केजी, 40 केजी, 50 केजी एंड ब्लैक लाइट क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसको एक बार ऑन करते हैं, मतलब कि एक बार इसको खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अनबॉक्सिंग के लिए कुछ इस तरीके से हमको खोलना पड़ेगा, लाइक आप देख सकते हैं। सो इसको आपको कुछ इस तरीके से खोलना, तो एंड खोलने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको एक गाइड कार्ड मिल जाता है जो कि एक चाइनीज कंपनी का है, तो गाइड कार्ड हम पढ़ ही नहीं सकते देखो, लाइक पीछे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। एंड पीछे आपको एक इंग्लिश गाइड मिल जाता है, यूजर गाइड लिखा हुआ है जो कि सभी इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट आगे आपको देख सकते हैं पूरा ही चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं, देन अभी आप देख सकते हैं जो ये हमारा वेटिंग स्केल है, वेटिंग स्केल को कवर से निकाल लेते हैं एंड कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है वेटिंग स्केल। सो बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारा वेटिंग स्केल। सो इसको अभी ऑन करते हैं, देन देखते हैं। तो ऑन करने के लिए भी हमको बैटरी लगाना पड़ेगा, तो बैटरी के लिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ये इसका बीप का साउंड है जो कि स्पीकर साउंड हो चुका है एंड ये इसका बैटरी लगाने का कंपाउंडमेंट हो चुका है। एंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको आपको इसको खोलना है, तो आप देख सकते हैं बैटरी कंपाउंडमेंट को खोल लेते हैं, देन आपको दिखाते हैं। सो बैटरी कंपाउंडमेंट के लिए मेरे पास अभी आगे नेल नहीं है, सो हम अभी यूज़ कर रहे हैं अपने देसी जुगाड़ का। तो आप देख सकते हैं पीछे आपको कुछ इस तरीके से पैक्सेस को लगाना है एंड भाई टूट भी सकता है बहुत ही सेफ्टी के साथ। ओ भाई साहब क्या ही कहे, देखो टूट भी सकता था। सो ये बच गया, बहुत ही अच्छा है। एंड इसके अंदर आप बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी हमको इसमें मिल जाता है, देखो कुछ इस तरीके से कवर में बैटरी भी मिल जाता है। पीछे आप एक बार प्रेस कीजिए, बैटरी निकल जाएगा, लाइक आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो पीछे कुछ इस तरीके से प्रेस कीजिए, ये देखो सो पीछे आप प्रेस करते ही ये बैटरी निकल जाता है। सो बैटरी कहाँ भाग रहा है गाइस, एंड ये देखो बैटरी को भी हमने इसमें लगा लिया है। ओ बॉय सब ये ऑन हो चुका है, तो एक बार इसको ये देखो। सो इसमें लिखा हुआ था आप देख सकते हैं इधर 50 केजी 10 ग्राम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 50 केजी का वेट मशीन है एंड ये 50 केजी तक टोलता है गाइस। एक गिनर मानिए जो ये वाला वेटिंग स्केल चलता है ये 100 केजी तक टोलता था, बट ये देखो गाइस ये 50 केजी में इतना छोटा इतना हल्का है भाई, देखो एक हैंड से एक फिंगर से ये उठ जाता है, ये देखो सॉरी गाइस उठ भी नहीं रहा है क्या कहे। सो बहुत ही बेजट हो रहा है एंड ये देखो ये, ओ भाई उठ जा जल्दी,
सो ईयर को एक हैंड से ये उठ जाता है, सॉरी ये बैलेंस नहीं मिल रहा है। सो अभी आप देख सकते हैं इधर ये एल भी लिखा हुआ है, तो इसका जो मैं पूरा आंसर आपको बताने वाला हूँ, पूरा डिफिनेशन करने वाला हूँ। सो जो टीयर लिखा हुआ है, टीयर जीरो करने के लिए रहता है, यूनिट मतलब आपको यूनिट चेंज करना है, मतलब कि केजी में, एलबी में और बाकी क्या क्या लिखा हुआ होता है, सभी चाइनीज लैंग्वेज में लिखा होता है, बाकी कंट्री में यूज होता है वो सब यूनिट, बट हमको इधर केजी में रखना होता है। एंड ये ऑन ऑफ का हो चुका, तो एक बार ऑन करते हैं। सो ऑन करते ही आप देख सकते हैं इधर कुछ स्टेटिक्स देखने को मिल जाता है, तो इधर अभी एलबी में है, तो हमको इसको यूनिट चेंज करके केबी में लाना है। तो ये देखो केजी में लेकर आते हैं, एंड ये देखो केजी में आ चुका है, तो केजी में आते ही इधर 40 आ जाता है, एंड अगर हम एलबी में रखते हैं तो 30 एलबी लिखा हुआ है, और दूसरा है जिन, जो कि अलादीन का जिन जैसा आप समझ सकते हैं, जो कि 30 है। एंड उसके बाद एक बार और भी प्रेस करते हैं, ओजेड लिख के आ चुके, तो ओजेड का भी काम नहीं है, हमको सिर्फ केजी में इसको रखना है, तो केजी में आप एक बार दोबारा से प्रेस करेंगे तो इधर केजी में आ जाएगा। केजी में आते ही आप देख सकते हैं 40 आ चुका है, तो ऐसे ही आप इसको वेट को आप इसको तोल सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इधर आप देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ, इधर वेट तोलने लगा है, तो आप एग्जैक्ट वेट इसमें तोल सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट वेट आपको बताएगा। कोई भी अंक आता है, जैसे कि आपका अगर कोई भी अंक आता है तो इससे आप जीरो कर सकते हैं। देखो जो टीयर लिखा है इसका मतलब जीरो है, जैसे कि आप बड़े बड़े वेटिंग स्केल में भी टीयर का फंक्शन आप देख सकते हैं, टीयर जीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जीरो करना है। वेट स्केल को भी आप जीरो कर सकते हैं, एंड इसमें भी आप टीयर का मतलब जीरो करना है वेट को। सो एक बार मैं ढक, जो कि ये 2 kg का वेट है, तो 2 kg के वेट को मैं एक बार आपको लगा कर दिखा देता हूँ। सो सो आप देख सकते हैं इधर ढक का जो कि ये हमारा वेट था, वेट का वेट इधर हमको बता रहा है 1895, मतलब कि 1 kg 985 g दिखा रहा है, जो कि एक 2 kg का वेट था, तो जो कि थोड़ा बहुत बैलेंस नहीं मिल पाया इसीलिए 2 kg नहीं दिखा रहा है। 15 g का एक्यूरेसी, मतलब ये कितना ग्राम का, 10 g का एक्यूरेसी है, तो आप देख सकते हैं 10 g का एक्यूरेसी है, 5 g इधर उधर, मतलब ये बैलेंस नहीं मिल पाया होगा इसीलिए कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। एंड ये लॉक हो चुका है, आप देख सकते हैं इधर ये लॉक लिखा हुआ है, तो अगर लॉक हो जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 3 इंटर एक बार प्रेस कीजिए, दोबारा से आप टोल सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं ये दोबारा से टोलने लगा है, तो डियर इंटर का मतलब है जीरो करना, जीरो आप समझ जाइए उतना ही है और बाकी कुछ भी नहीं है। यूनिट से आप इधर चेंज कर सकते हैं, ये ऑन ऑफ का हो चुका, तो बाकी यही था इस वाले में, इस वाले वेटिंग स्केल में। आप दोबारा से आप टेस्ट करने वाले दूसरा एक और वेटिंग स्केल, सो दूसरा है हमारे पास कुछ इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक पोर्टेबल स्केल, जो कि पहले वाले में था हमारे पास ये वाली था, तो पहले वाले में आप देख सकते कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता था, बट इस वाले में डिजाइन ही फ़र्क है गाइस। एंड इसको कंपेयर करते हैं आप, सो इसको खोलने के लिए भी आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे से आप इसको ऐसे करिए, देन अंदर आप देख सकते कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। सो जल्दी इसको भी खोलते हैं, एंड ओ माय गॉड गाइस, इसका लुक और इसका लुक आप देख सकते हैं, कंपेयर कीजिए कितना अच्छा लुक है, एंड इससे अच्छा ये लुक बहुत ही अच्छा है। इसका जो डिस्प्ले साइज़ भी आप देख सकते हैं, डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले है, इसमें बहुत ही छोटा डिस्प्ले दिया हुआ है, बट इसमें क्या है कि इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिखा हुआ था पोर्टेबल इलेक्ट्रिक स्केल टीयर यूनिट जी ऑन ऑफ, बट इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो बाकी और भी देखते हैं। एंड इसमें आप देख सकते हैं गाइस, और इधर आप देख सकते हैं इधर आपको एक पावर ऑन ऑफ एंड टीयर का कुछ इस तरीके से बटन जैसा दिया हुआ है, एंड एक यू के लिखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है यू मतलब यूनिट होगा। एंड पीछे आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है 50 kg 10 g, सेम एक ही साइज का, मतलब कि एक ही कैपेसिटी का वेट मशीन है। एंड इसको भी हमने स्प्रिंग बैलेंस को, जो बैटरी है उसको हमने निकाल लिया है, सो बैटरी को जल्दी से निकाल लेते हैं, देन इसके अंदर डालते हैं। सो अब इसको क्या करते हैं कि ढक्कन को खोलते हैं, और गाइस इसमें इजीली ढक्कन खुल चुका है, जो कि इसमें उतना टाइट ढक्कन लगा हुआ रहा, जो कि हमको इस तरीके का औजार प्रयोग करना पड़ा, बट इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है। सो अब बैटरी को लगाते हैं, देन आपको इसको ऑन करके दिखा देते हैं। एंड गाइस आप देख सकते हैं हमने बैटरी को लगा दिया है, सो बैटरी को लगाने के बाद आप देख सकते हैं इधर ये मैंने इसको ऑटोमेटिकली अभी ये वेट, जो कि ये जी सॉरी, एक बार मैं आपको इसको बंद करके खोल के दिखाता हूँ। सो इधर को मैंने बैटरी को लगा लिया था, अब ये इसको ऑन करते हैं, एंड इसको भी ऑन करते हैं, देखो। सो दोनों हमारे पास वेट मशीन है, सो सॉरी देखो। एंड गाइज आप देख सकते हैं इसमें और इसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क है गाइज, उससे अच्छा तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जो कि एक ग्रीन डिस्प्ले जो कि ग्रीन कलर में है, एंड ये ब्लू कलर में, ब्लू कलर में उतना अच्छा शाइनी लुक नहीं दिखता है, जो कि देखो घाम में मैंने रख दिया है, पर घाम में उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, जो कि ये वाला देखो इतना अच्छा क्लियरली दिख रहा है। एंड इसका डिस्प्ले साइज़ भी आप देख सकते हैं, कंपेयर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले है। सो अभी आप देख सकते हैं ये केजी में है, एंड इस यूनिट जो लिखा है यूनिट से आप चेंज कर सकते हैं, देखो एलबी में आ चुका है, जिन में आ चुका है, यन लिखा हुआ है, बट इसमें क्या था ओजेट था। सो जैसे कि ये देखो एलबी
सो ये देखो एल बी जीन ओजेट इसमें या नहीं एंड उसके बाद के जी और इसमें भी उसके बाद के जी है बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिस्प्ले का साइज सिर्फ बड़ा था एंड थोड़ा लुक में अच्छा है एंड इसमें क्या है कि इसमें स्टील बॉडी है बट इसमें प्लास्टिक है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये प्लास्टिक से ये 50 केजी टोल सकता है जो कि टूट भी सकता है प्लास्टिक बट देखने में प्लास्टिक जो है वो हार्ड प्लास्टिक है। आप देख सकते हैं बहुत ही हार्ड प्लास्टिक है एंड अब इसको क्या करते हैं कि जैसे कि ये देखो यूनिट से तो हमने इसको बता दिया चेंज करने के लिए इसको केजी में लाने के लिए एंड बाकी तो आप देख सकते हैं ये जो टियर एक बार अगर आप प्रेस करेंगे तो ये जो भी इसमें अंक रहता है वो जीरो हो जाएगा। एक बार ज़्यादा प्रेस करना है एक बार प्रेस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा एंड प्रेस करके रखिए तो ये आपका ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा और एक बार प्रेस कीजिए उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। सो एक बार इसका भी वेट मेजर करते हैं एंड इसमें देखते हैं क्या होता है। सो जो कि मेरा मोबाइल का स्क्रीन जो है वो मैं थोड़ा आपको टेढ़ा नहीं कर सकता हूँ सो इसलिए मैं अभी इसको डायरेक्टली इधर वेट को मैं तोड़ के आपको दिखा देता हूँ। सो एंड गाइस आप देख सकते हैं इधर ये लॉक लग चुका है और इधर हमको 2 केजी का वेट में दिखा रहा है 2 केजी 15 ग्राम इधर हमको इसमें दिखा रहा था 1 केजी 1 किलो 985 ग्राम दिखा रहा था बट इसमें क्या है कि हमको 2 किलो 15 ग्राम दिखा रहा है 15 ग्राम ज़्यादा दिखा रहा है इसमें 10 ग्राम का एक्यूरेसी है 5 ग्राम जैसे कि इसमें बैलेंस नहीं मिल पाता जिसके मैं अभी हाथ से तोड़ रहा था बट इसमें हाथ से अच्छी तरीके से मेरा पकड़ नहीं बन पाया था जो कि मोबाइल को भी हम पकड़ रहे हैं एंड उसके साथ साथ इसको हम अभी बैलेंस नहीं कर पाए जिससे कि हमको एक वेट अच्छी तरीके से नहीं दिखा पा रहा है एंड इसमें आप देख सकते हैं लॉक लग चुका है। अब हम कोई भी इधर वेट तोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा जैसे कि लाइट ग्लो होगा बट कुछ भी वेट नहीं जीरो नहीं आया हुआ है तो जीरो के लिए हमको एक बार इसको प्रेस करना है दैन जीरो आ जाएगा। जीरो आने के बाद इसको आप तोड़ सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये एग्जैक्ट वेट आपको तोड़ देगा। सो अभी इसको प्रेस करके बंद कर देते हैं दैन अब दूसरा हम वेट जो कि चेक करते हैं। सो इसको भी अभी हम साइड में रखते हैं एंड साइड में रखने के बाद अब हम इसमें चेक करने वाले हैं अपने इस वाले मशीन को। तो इस वाला जो मशीन है ये हमको जो कि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही महंगा मशीन है एंड इसमें आप देख सकते हैं पोर्टेबल स्केल स्टैंडर्ड फीजर वाला मशीन है एंड इसमें या मैं सीरीज पॉकेट स्केल है एक पॉकेट स्केल है। इसमें आप साइज में आप देख सकते हैं 200 ग्राम 0.1 ग्राम जो कि एक जो सोन टोल्ट है ना वो कुछ उस तरीके का एक मशीन है। तो इसका बैटरी ऑलरेडी खुला हुआ था सो बैटरी को हमने खोल लिया है। सो एक बार आप इसको मशीन को भी निकालते हैं तो मशीन को देखो कुछ इस तरीके से निकल जाता है एंड ये मशीन जो आप देख रही है एक मोबाइल की तरह लग रहा है मशीन। सो इसको भी आप खोल लेते हैं देन देखते हैं कि क्या है रीज़न। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है हमारा मोबाइल जैसा वेटिंग स्केल। सो सेम मोबाइल की तरह लग रहा है जैसे कि पहले जो नोकिया वाला मोबाइल होता था सेम उसी तरीके से मोबाइल जैसा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं भी जब इसको देखा था तो मोबाइल जैसा लग रहा था डब्बे में जैसे कि मोबाइल ही रखा हुआ है बट इसके अंदर मोबाइल नहीं है एक पॉकेट स्केल है और ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है। ये देखो कुछ इस तरीके से खुल जाता है एंड इसका बैटरी का देखते हैं तो बैटरी के लिए आप देख सकते हैं इधर ओपन लिखा हुआ है तो इसको आप प्रेस कीजिए जोर से गाइस। ये देखो जोर से हमने प्रेस किया एंड इसके अंदर हमको दो बैटरी लगाना पड़ेगा तो बैटरी भी लगा लेते हैं देन आपको दिखाता हूँ। सो एक बैटरी लग गया है दूसरा बैटरी भी लगा लेते हैं एंड अभी ये ढक से नहीं टोलना है क्योंकि ये इसका जो वेट जो कैपेसिटी है उतना ज़्यादा नहीं है 2 केजी को तक टोल नहीं सकता है। एंड गाइस आप लोग देख सकते हैं जो कि मैंने इसके अंदर बैटरी लगा दिया अब इसको ऑन करते हैं देन देखते हैं तो इसको मैंने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है इधर आपको पूरा ही टोलने का जो कि क्राइटेरिया है सब इसमें देखने को मिल जाता है टोलने का सिस्टम एंड इसमें आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले के नीचे आपको ऑन ऑफ बटन टियर पीसीएस लिखा है पीस लिखा हुआ है यूनिट लिखा हुआ है लाइट लिखा हुआ है। तो एक बार इसको ऑन करते हैं ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा ही डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है फुल डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं जी लिखा हुआ है टीआई लिखा है ओजेट लिखा है सीटी लिखा है जीएन लिखा हुआ है। मुझे पता नहीं है कि इसके कुछ तरीके से तोड़ना चाहता है जो कि बाकी जो वेट मशीन था उसको मुझे पता था कि कुछ तरीके से तोड़ते हैं बट इस वाले में मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं डैन देखते हैं रख दिया है एंड ये जीरो हो चुका है। अब इसके ऊपर ये देखो कुछ भी हम वेट रखते हैं ये देखो अच्छी तरीके से ये टोल रहा है। तो एक बार हम ट्राई कर रहे हैं अपने ये जो चूरा है इसको ट्राई करते हैं तो इसको निकाल लेते हैं एंड अच्छी तरीके से इजीली निकल जाता है। सो ये देखो ये निकल चुका है अब इसको तोलते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है कितना ग्राम बता रहा है। सो इसमें आप देख सकते हैं 830 PCS बता रहा है मतलब एंड इस वाले में गाइस यही था जो कि मुझको इसको सेटिंग पूरा ही नहीं पता है जो कि अगर मुझे सेटिंग पता होगा तो मैं उसका भी एक वीडियोज़ बना दूंगा जो कि एक ज्वेलरी वेट मशीन है जो कि सोन
तोलने वाला जो मशीन रहता है वो है, तो इसका मुझे पूरा ही नॉलेज नहीं बताया है, जो कि हल्का फुल्का जो पता था ऑन ऑफ स्विच ये सब मुझे हल्का फुल्का जो पता था वो मैंने बता दिया है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा जो कि मुझको इसमें कोई भी कुछ भी नहीं पता हुआ है। सो अगर मुझे पता चलेगा तो उसका भी एक वीडियोज़ बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए वरना नो लिख दीजिए। सो अब टेस्ट करने या फिर अनबॉक्सिंग करते हैं दूसरा आइटम। सो एंड अब गाइस हमारे पास कुछ इस तरीके का स्प्रिंग बैलेंस। सो फर्स्ट में ये देखो, ये कोई भी डिजिटल स्प्रिंग बैलेंस नहीं है, सब इधर आपको इसको जो कि ये आपको बस इधर इसको तोलना है, डायरेक्टली ये तोलने लगेगा जो कि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। सो ये देखो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। एंड ये एक 25 kg का वेटिंग स्केल है। सो ये देखो कुछ इस तरीके से ये तोलता है, जैसे कि ये ऊपर कुछ भी लटका दीजिए या फिर हाथ से पकड़ लीजिए, नीचे आपको कोई भी आपको ऑब्जेक्ट को तोलना है तो इसमें आप लटका दीजिए जो, एंड कुछ इस तरीके से ये देखो तोलता है। तो इसमें क्या है कि इसमें एग्जैक्ट वेट नहीं बताता है, जो कि अगर डिजिटल आप यूज करते हैं तो डिजिटल में जो एग्जैक्ट वेट आपको बताता है इसमें ये नहीं बताएगा। एंड इसको आपको मिलाने के लिए, जैसे कि कभी कभार ये नहीं मिलता वो है, तो आपको इसको मिलाने के लिए बस इसको आप दबाते रहिए एंड जब लेवल में आ जाए तो छोड़ दीजिए। सो उसके बाद ये तोड़ने लगेगा। बट इसमें भी क्या है कि इस दर आपको 100-200 ग्राम ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा, मतलब कि नीचे पर 100-200 ग्राम होएगा। तो इसके लिए मैं यही रिफेयर आपको करूँगा कि आप ये मत लीजिए एंड ये भी मत लीजिए, जो कि ये दोनों एक ही है, ये प्लास्टिक का है ये स्टील का है, ये 10 kg का है तो ये 25 kg का, इतना ही फर्क है। सो मैं यही कहूँगा कि आपको ये मत लीजिए, आपको लेना ही है तो आप कुछ इस तरीके का आप ले सकते हैं, जो कि जो इसका दाम है ना, इसका दाम से थोड़ा महंगा तो है, बट क्या है कि ये एक अच्छी तरीके से अब ये अच्छा वेट आपको बताएगा, बट ये आपको अच्छा वेट नहीं बताएगा, जो कि